ये बंदा, ये इसकी मौत आने वाली है यहाँ पे और What's up guys, my name is Shitij and today we're going to be doing another video for a series called Dating Coach Reviews Punjabi Music Videos or Hollywood Music Videos or Bollywood Music Videos or Movies or whatever the fuck. Pop culture references we're going to be reviewing out here. Aaj ka video bada special hai yaar, ye gana maine bada suna hai. The song's name is Lehenga by Jas Manak. Let's go, let's get into it. Pehle hi start karte hain yahan pe yaar, ekdam starting mein jaise Kerry bhai bolenge bina kisi bakchodi ke. Theek hai. Almost, I mean, a little bit too metrosexual and a little bit girly, but बाल में क्या रखा इसने? चलो ठीक है। भाई साहब, ये थोड़ा लड़का अजीब सा नहीं है? ठीक है चलो। इको हील दे नाल मैं कटे आए एक साल वे मैनू कदे तले शॉपिंग माल वे। Also guys, I want to say this, पहले ही ये गाना मेरा बहुत तगड़ा फेवरेट गाना है, तो ये म्यूजिक वीडियो के बाद ये बहन चुदे हगना दे, बस मैं वो देख रहा हूँ, बस ये गा रहा है, लड़की से बात हो गई है, बात हो गई है ना, देख लूँ एक बार फिर से। अच्छा तो आई थिंक लड़की गर्लफ्रेंड है, पहले से बोल रही है उसकी हील टूट गई है भाई, हील उसकी, इसके पास आके क्यों रो रही है? जाके भाई मोची के पास जाके लगवा हील अपनी, बहन क्या कर रही है, परेशान हो गई। तू शॉपिंग माल वे। अच्छा लौंडा लेके जाएगा शॉपिंग, ठीक है ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वॉल्यूम बढ़ाओ यार इसकी। वे मेरे काले बाल वे। भाई साहब अभी डिमांड है, सुनो इस लड़की की। इस लड़की ने बोला कि बहन चो पहले तो मेरे को शॉपिंग मॉल ले जा, मेरे को नई हील दिला, अब ये कह रही है बालों का कलर भी तू ही कराएगा। ये चल क्या रहा है भाई, ये क्या क्या है, ये गोल्ड डिगर प्रैंक चल रहे हैं यहाँ पे, क्या बना रखा है इन्होंने। अब ऐसी वीडियो देख के लड़के बोलते हैं ब्रो मेरे पे पैसा नहीं है, मैं गर्लफ्रेंड नहीं कर सकता, यू नो गर्ल विल डिस्ट्रैक्ट मी, लड़की डिस्ट्रैक्ट करेगी, मुझे करियर पे फोकस करना है, कैरियर, मैं कैरियर पे फोकस हूँ, मैं कैरियर पे फोकस हूँ, मैं लड़कियों से बात नहीं करूंगा, ऐसी ऐसी चूते वीडियो देख देख के। भाई नो ऑफेंस, ले ले ऑफेंस ठीक है, लेकिन म्यूजिक अच्छा है, हक दिया भाई यहाँ पे। एक तो भाई इस बंदी को देखो, इसके कपड़ों से पहले ही नहीं लगता था शी हैज इनफ मनी, और इस बहन को दिक्कत क्या है कि खुद काम नहीं कर सकती, कि लौंडे इसको लाके पैसे वैसे देंगे। भाई क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करी तुमने, तुम क्यों गवार घूम रहे हो ऐसे इधर उधर, थोड़े पैसे वैसे कमा लो यार। कितों सजा तेरे ले सारे सूट पुरानिया, हाय पुरानिया। ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप। मैनू लहंगा, मैनू लहंगा दे दे, महंगा दा मर जानिया। मैं सुन रहा हूँ, मैं लहंगा चाहिए इसको। कह रही है अपने पैसे लेके कहाँ जाएगा इतने, बेटी क्या चल रहा है ये, उसके पैसे उसने कमाए, वो कहीं भी लेके जाए, घर जाए, इधर जाए, उधर जाए, तो कौन भाई, तो कौन। कह रहा नहीं नहीं, लौंडा कह रहा है नहीं, मैं जो क्या कर रही है ये, मैं तो अभी तक तो मैं तो छोड़ देता, मैं कहा पागल हो गई है क्या, क्या है ये, मतलब क्या गवार लड़की पकड़ रखी है, मतलब छोड़ो इसको यार, जस्ट बिकॉज़ शी इज लुकिंग गुड, तो मतलब कुछ भी इसको पैसे वैसे देंगे, सब कुछ देंगे, क्या मतलब बच्चे पालने मैंने यहाँ पे। भाई इसके व्हाइट शेड्स बड़े सही हैं भाई, मैं सुबह पहले थोड़ा मजाक उड़ाया था ना, वो थोड़े बाल बाल के लिए, लेकिन व्हाइट शेड बढ़िया। कहता चल यहाँ से, रूठ गई और रूस गई भाई, और रूस गई। ओ बंदे ने उसको शोरूम से लहंगा नहीं दिलाया जो कम से कम 1 लाख रुपए का होगा, मतलब उसने खुद ने लहंगा पहना है कभी इतना महंगा और तेरे को दिलाएगा, बहन कैसी बातें कर रही है तू। भाई साहब सीन चेंज हो गया, लौंडा लोगों के साथ बैठा उड़ाना रहता है, मेरी खाली कहना है, ये भाई ये इसने बवाल कर दिया यहाँ पे, 6 लोगों के साथ बहन जो सारा बिल पे कर रहा है, बहन जो सारे 10,000 का बिल मैं दूंगा, मेरे पे पैसे नहीं है तेरे को देने के लिए, मैं लड़कों के सामने खर्च दूंगा, ये बंदा, ये इसकी मौत आने वाली है यहाँ पे। ओ भाई लेकिन इसके बोलना चाहिए, देख बेटी खाना मैंने खाया है और पिछली पार्टी मेरे उस दोस्त ने दी, सेकंडली मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ तो मैं इसलिए भी देना चाह रहा हूँ, तेरा लहंगा तू अकेले पहनेगी, साथ में पहनेंगे तो बता ठीक है, साथ में लहंगा पहनेंगे तो मैं देता हूँ पैसे। और रुक गई और चली गई, वो चली गई, वो चली गई। भाई ये ब्रेकअप क्यों नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है चलो ठीक है, नहीं मैं जो पता ब्रेकअप क्यों कर रहा है भाई, बंदी इतनी सही है भाई, कौन क्यों ब्रेकअप करेगा। इफ यू वन ऑफ दोस गाइस ना जो बोल रहे हैं भाई ये बंदी इतनी सही है भाई, लो अपने पैसा इतना है दे देंगे, अरे तुम चलो जो थोड़े स्टैंडर्ड वैंडर्ड रख लो, चलो इफ यू कैन गेट वन गर्ल लाइक दिस यू कैन गेट अदर गर्ल्स लाइक दिस एंड एट लीस्ट दी अदर गर्ल्स विल बी हैविंग सम फकिंग पर्सनालिटी। शक्ल के पीछे बहन जो साली ठगी जाता है हमें, और तेरी बहन जो मिनियन गिर गए हमारे एंग्री बर्ड और मिनियन, भाई ये सेट में ऐड करा है हमने यहाँ पे, इनके यहाँ पे थोड़े दिन में जायदाद क्लेम करेंगे, ये बोलेंगे चैनल का रेवेन्यू हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ा, तुम जाओ यहाँ से, तुम चैनल का रेवेन्यू क्लेम करोगे, क्या लग रहा है तुम्हें, इनको लग रहा है
इनको इनको लग रहा है साले डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, बड़ा डिक्टेटरशिप है इस चैनल पे मेरी, कोई चैनल का रेवेन्यू नहीं क्लियर करेंगे। अच्छा ठीक है चलो थोड़ी देर खड़े हो जाओ यार, वैसे भी मेरे को लौड़ा फर्क पड़ता, तुम मना करो नहीं करो, बड़ा तुम यहीं खड़े रहोगे, तुम जेल में हो, फंस गए हो तुम। कह रही उसको पैसे दे रहा, मुझे नहीं दे रहा, मैं तो 1,00,000 रुपए का लहंगा नहीं दे रहा, उसके 10,000 रुपए दे दिए। माणक 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 कन्हैया, ये लग गई है वापस, इसका नाम बोले जा रही है बार बार, ये पैसे खर्च दे बेटा, तू पैसे खर्च दे। जूस है वे पूरा मक्खी चूस है, नेचर तो बड़ा खड़ूस है, वे कदे हंस लिया कर डूब जाने। भाई देखो ये ना मेरा फेवरेट पैराग्राफ था जब तक मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया था। तू कंजूस है, नेरा मक्की चूस है। इफ समवन इज वॉचिंग दिस कि भाई बकचोदी के लिए देखनी है म्यूजिक वीडियो, सही है, बट जब तुम असली में मानने लग जाते हो ना कि ऐसे ही तुम्हें करना है, देन यू जस्ट एंडिंग अ बीटिंग एट एडवांटेज ऑफ, एंड दैट्स समथिंग जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा लाइट फेंकनी है। ये देखो द लाइट नहीं है कहीं भी, लाइट नहीं है, तो इन चीजों पर ना हमें लाइट फेंकनी है, काम हमारे चैनल का। देखो लाइट आ गई भाई, इसने गिफ्ट ला दिया है वो हैरी पॉटर वाली वार्डरोब जितना बड़ा। अरे बस डी गए, 15 मिनट की मेहनत एंड में लहंगा दिलाई दिया यार। अरे बस डी गए मादर चोद निकाले दुनिया। अरे यार आए आए, एंड में आना चाहिए था एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है एक्चुअली ऐसे ही होगा ना, हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं एक तो सीन बता दूं, ठीक है एक सीन बताते हैं, ऑल्दो आई डोंट थिंक मुझे बताना चाहिए तो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है तुम थोड़ा खौफ में आ जाओगे बट फिर भी सुन लो। ठीक है अब ऐसा सीन हुआ, तुम्हें क्या लगता है हैप्पीली एवर आफ्टर रुक जाएगा अभी किसने लहंगा दिला दिया? साला इसके बाद वो वीडियो आएगी, वो वाली, वो कौन सी है, वो जैगवार वाली वीडियो, इसका पार्ट टू है। वो लड़की कहती कि बहन जो मैंने जैगवार दे दो, ठीक है वो बंदा कहता मैं बहन जो रात रात काम कर रहा हूँ तेरे को साड़ी जैगवार, तू लहंगे से स्टार्ट हुई थी, अब तुमने लहंगे भी नहीं रोका ना तुम सालों जैगवार खरीदते रह जाओगे, तुम अपने भोसड़े खुलवा लोगे लड़कियों के पीछे यहाँ पे ऊपर से। एंड देन यू एंड अप गेटिंग मैरिड टू द गर्ल, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स इज अ लॉयर, ही इज विद अ क्लाइंट राइट नाउ, उसको एक बंदी मिली जीवनसाथी.com पे, पता है क्या सीन हुआ, बंदी मिली जीवनसाथी.com पे, वहाँ पे उनकी बात बात हुई, 7 महीने में शादी हुई, बंदी ने बोला शादी का गिफ्ट मैं लूंगी वर्ल्ड यूरोप ट्रिप चाहिए और 2 कैरेट की डायमंड रिंग चाहिए। दिस गाइस वेंट ऑन ट्रिप्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिसकी फोटोज होते थे पूरा, झूठ झूठ बोल के कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम, 20,00,000 रुपए इससे ले लिए हेल्थ के वो चक्कर में, बंदी ने 20,00,000 रुपए लिए, उसके बाद भी ये सारे प्रॉब्लम थे, लाइक ही वांटेड टू गेट डिवोर्स बिकॉज शी वाज चीटिंग ऑन हिम आल्सो, और एक दो प्रॉब्लम्स और भी, वो पैसे मांगे जा रही थी तो ये मना करने लग गया। अब वो समझ गई कि इससे पैसे निकालने नहीं है, व्हाट शी डज इंडिया में उसने केस ठोक दिया किसी गांव में, रूरल एरिया और मे बी द टीयर टू टीयर थ्री सिटी, वहां पे उसने केस ठोक दिया कि भाई डाउरी मांगी थी इसने और इसकी फैमिली ने भी हरास करा है और ये सारी चीजें करी हैं, एंड इस बंदे ने कुछ नहीं करा है, ही गॉट मैरिड टू अ गर्ल जो गोल्ड डिगर थी। ऐसे गाइस डू नॉट फॉल इनटू दैट फकिंग ट्रैप, ऑलराइट, व्हेन यू गेट लॉ एंड एवरीथिंग इन्वॉल्वड ना भाई वाट लगने वाली है तुम्हारी। इफ यू वांट टू गेट मैरिड टू अ क्वालिटी गर्ल, ये गोल्ड डिगर वाली लड़कियों के पीछे मत जाओ भाई, ऐसे ये प्रोपोगेट करते हैं कि लड़की मिलेगी ऐसे ही मिलेगी, नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी, ओ ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, लड़कियां मिलती हैं, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू नो हाउ टू टॉक टू अ गर्ल एंड बैंटर, ऑलराइट, दैट्स वो साला मतलब फकिंग प्रूफ भाई, मेरा चैनल देख रहे हो अगर तुम यूट्यूब पे, तुम्हें पता है क्या चल रहा है, आई मीन दिस इज बुलशिट डेटिंग एडवाइस, रियल लाइफ में क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है ये तो भाई बिल्कुल नहीं करता है। आई होप यू गाइस गेट द आइडिया, वी हैव मेड दिस वीडियो क्वाइट लॉन्ग, लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो आउट हियर, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, सो मेक श्योर यू जस्ट शेयर द वीडियो, हमें इतना शेयर चाहिए यार, ये लाइक वाइक कमेंट वॉमेंट ये तो सही है, हमें शेयर चाहिए, इसको स्टोरी पे डालो, लोगों को भेजो, 2-3 लोगों को टैग वैग करो इंस्टाग्राम वगैरह पे, तब भाई थोड़ा वायरलिटी लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है वीडियो में नीचे कमेंट करना है ना, तो बताओ भाई अगले गाना कौन सा करा जाए, टेल मी व्हाट्स द नेक्स्ट सॉन्ग यू वांट मी टू रिव्यू, पंजाबी videos, music videos, English, Hindi, whatever. I'm going to be reviewing some toxic ones as well, some English ones as well, you know, spoiling some videos for you guys who might be thinking, oh my god, you know, we're too cool for school, like these Punjabi music videos are so cringe, the real ones are not cringe, we listen to English music videos, you know, the indie artists here in India. Bera, uski ek video padhi hai mere paas, katai ekdam dysfunctional relationship wali, I will fucking kill Santa for you guys, alright, what reality mein kya hota hai, kya nahi hota hai. That's going to be all from my side guys, make sure you hit the like button, subscribe if you're watching it on YouTube and share the video, that's what I want fucking share. Alright, send it to your friends. Do all that. We're putting in some effort into these videos. If you love my personality, let me know that. And I'm gonna see you guys in the next video. Shithuj signing off. Peace out.